बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट राव नासिर अली जहांगीर और आप देख रहे हैं अवाम का राज। नाज़रीन किराम, बड़े इत्मीनान और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फजल है और शुक्र का मकाम है कि दुश्मन ने जितनी भी कोशिश की और जितना भी उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि पाकिस्तान में किसी तरह से इंतखाबात के मामले को रोका जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के उन इदारों को, बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे सिक्योरिटी इदारे पाक फौज को और पाक आवाम और पाक आईएसआई को देता हूं, जिन्होंने अपने दिन रात की शब रोज मेहनत से अपने खून से इस अमन को भी बरकरार रखा हुआ है और अपने प्यारे वतन के अंदर इंतखाबात को भी साफ शफाफ बनाने में पूरी तैयारियों के साथ इस वक्त हमारे सिक्योरिटी इदारे अपनी पूरी जाफिशानी के साथ मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम नाज़रीन किराम बड़ा स्पेशल है, खसूसी तौर पर आज हमारी गुफ्तगू होगी कल के इलेक्शन के हवाले से, कल क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में उस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी बातों और कुछ ऐसे तजियों को भी शामिल करेंगे जो कल पाकिस्तानियों के लिए कल का दिन बड़ा अहम है, उस पर वो उनको एक फीडबैक भी हम देंगे। बुनियादी तौर पर नाज़रीन किराम, इलेक्शन किसी भी मुल्क के लिए उसकी सलामती और उसकी तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं और इलेक्शन के ज़रिए ही नाज़रीन किराम इस बात को जो है पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है कि कैसे लोगों को मुंतखब किया जाए जो आइंदा वतन के मुस्तकबिल और तरक्की और खुशहाली में वो किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं। आपने बगौर तमाम सियासी जमातों के मैनिफेस्टो और उनकी सियासी सरगर्मियों और उनकी सियासी काविशों को आप मुलाहिजा करते रहें और कल का दिन नाज़रीन किराम पूरी नेशन के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन किराम, मैंने अपनी गुज़श्ता जितने भी मेरे प्रोग्राम्स हुए हैं मैंने इस बात को यकीनी तौर पर आप तक पहुँचाया है कि अब वक्त है पाकिस्तानियों को पूरी तैयारी के साथ खड़े होकर बाहर निकलना है और अपनी वोट की ताकत से पुरअमन तरीके से दुश्मन की सारी साजिशों को नाकाम करते हुए उन लोगों को मुंतखब करना है जो पाकिस्तान में रोशनियां चाहते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बुलंदी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। और यकीनी तौर पर नाज़रीन किराम इसके हवाले से शऊर मौजूद है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ज़राए अब्लाग जो है वो भरपूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इस हवाले से कोई पाकिस्तान में दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन किराम में ये बात भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ कि कल जो हमने प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के बाद जो कुछ हुआ है भारत के मीडिया में, जो उस पर तूफान हुआ है उस पर भी हम आज बात करेंगे। और मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने आज के पैनल का तारुफ भी आपसे कराना चाहता हूं कि आज की हमारे इस खसूसी नशरिए के अंदर जो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं बहुत मारूफ शख्सियत हैं और सोशल वर्कर हैं, समाजी शख्सियत हैं और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात मसरूफ़ हैं। मेरी मुराद है आज के हमारे पहले मेहमान जनाब सलीम माइकल साहब से कि सलीम माइकल साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं, कैसे हैं आप? ठीक है जी। दूसरे हमारे आज के मेहमान नाज़रीन किराम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और हमेशा आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते रहते हैं, FPCCI के अंदर माइनॉरिटी विंग के चेयरमैन भी हैं लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन किराम बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, जस्टिस हेल्पलाइन के सरपरस्त आला भी हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं अपने प्रोग्राम में जनाब आतम प्रकाश साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो नाज़रीन किराम, बुनियादी तौर पर जो आज का प्रोग्राम है, जो आज की सारी गुफ्तगू है उसके अंदर हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये हमारे एक US के हमारे नाज़रीन में से हैं और US के अंदर एक दहाई से वहाँ पर रहते हैं, वहाँ इनका घर भी है, बच्चे भी वहीं हैं इनके और पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। तो इन्होंने हमारे कल के प्रोग्राम को जो देखा है उस पर जो एक तबसरा किया है तो उनकी ख्वाहिश थी कि ये उनके नाम के साथ बाकायदा नशर कर दिया जाए। तो ये जो कि चूँकि हम अपने कारईन की राय का बड़ा एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए कि कारईन जो आपको देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं और जो एक राय बना रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। जो ये जावेद साहब हैं हमारे साथ US में, उन्होंने अभी अपना एक ये ट्वीट हमें किया है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं कि सब तरक्की याफ्ता ममालिक बशमूल अमेरिका, बरतानिया वगैरह तक खुफिया इदारों जैसे CIA और MX के असर व नफूस से एक दुनिया वाकिफ़ है और इन इदारों की मंशा और मर्जी के बगैर सिविल हुकूमतें कोई कदम नहीं उठाती, कोई भी शहरी इन पर उंगली नहीं उठाता।
اگر اٹھاتا ہے تو صرف ہمارے ملک کے حکمران اور ان کے کرپٹ سیاستدان جن کی عیاشیوں اور آزادیوں اور کرپشن کو خفیہ ادارہ بے نقاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے 5 سال کے دور میں دفاع اور خارجی امور کے عہدے اپنے پاس رکھے تو اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ خارجی محاذ پر پاکستان بری طرح ناکام ہوا ہے۔ بین الاقوامی عدالتوں میں ہمارے خلاف 7 کیسز میں فیصلہ جاری ہو چکا ہے اور ہمیں بلینرز ڈالر کا جرمانہ ادائیگی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے ناظرین کرام کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنی ہی آزادی اور اپنی ہی تحفظ کے اداروں کو جو ہمارے ہی سوسائٹی اور اسی سے پنپ رہے ہیں، جو اس ہی دھرتی کا حصہ ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے اس دھرتی کو روشن آباد اور شاد رکھا ہوا ہے، اسی ملک کے اندر ہم نے دیکھا گزشتہ 2 دن پہلے میر جعفروں نے باہر نکل کر ان کے خلاف جس قسم کا لب و لہجہ استعمال کیا اور اس کو ہمارے دشمن نے جس طریقے سے مرچ مسالہ لگا کر اپنے اپنے چینلز پر نشر کیا، یہ بھی ایک شرمناک حرکت ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں پہلے مرحلے کی طرف آؤں گا۔ آج چونکہ یہ خصوصی نشریاں پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور گفتگو ہو رہی ہے کل کے الیکشن کے بارے میں، الیکشن کے حوالے سے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کہ کل کے الیکشن پرامن اور صاف شفاف طریقے سے ہوں گے اور اس پر کسی بھی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاک فوج جو ہے وہ موجود ہے، تمام جتنے بھی جگہ پر الیکشن کے جو پولنگ سٹیشنز بن رہے ہیں باہر اور اندر، پاک فوج کا ایک کردار ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں جاننا چاہوں گا سلیم مائیکل صاحب آپ سے کہ آپ پاکستان میں ہونے والے ان الیکشنز کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے جو صبح الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ جی، الیکشن جو ہے وہ ملک کے ہر شہری کے پاس ایک مقدس امانت ہے اور اسے بھرپور سمجھداری سے، عقل سے، دنائی سے کرنا چاہیے، اور میں خاص طور پر اپنی کمنٹس جو ہے وہ پاک فوج کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وطن عزیز کی پاک فوج کو، اور یہ آزادی کسی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وطن کے جان نثاروں کے لیے اس قسم کے الفاظ ادا کرے۔ ہاں، اگر ایسی بات ہے تو میاں نواز شریف، تمہارے بھی تو 2 بیٹے ہیں، تم انہیں کیوں نہیں فوج کے لیے اپنے محاذ پہ اور اس کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ بھیج دیتے؟ آصف زرداری بلاول کو کیوں نہیں بھیجا فوج کے اندر؟ گیلانی صاحب نے اپنے بیٹے کیوں نہیں بھیجے؟ گیلانی کے اوپر فوج کا احسان ہے کہ اس نے اس کو اس کا بیٹا واپس دلایا، کہ وہ بیٹے ہیں جو سرحدوں پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں، یہ جاگتے ہیں تو ہم لوگ سوتے ہیں۔ کہاں تھا یہ پورا پاکستان اور پورے پاکستان کی سیاست کرنے والے لوگ جب کراچی کے شہر میں جگہ جگہ بم بلاسٹ ہو رہے تھے، پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا؟ تب آفرین ان ماؤں کو جنہوں نے ہماری پاک فوج جیسے بیٹوں کو جنم دیا اور انہوں نے سرحدوں کی حفاظت سے لے کے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کو سلامتی بخشی۔ آج جو ہم پورا امن سلامتی کے ساتھ جس ملک میں رہ رہے ہیں، وہ پاک فوج کی اتنی بڑی ہمارے لیے مدد ہے کہ ہم اللہ کے بعد اگر شکر ادا کریں تو یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم پاک فوج کا شکر ادا کریں، شہدا کو سلام کریں۔ اسی لیے آپ نے کبھی کسی سیاستدان کی تابوت کو کسی کو چومتے ہوئے دیکھا؟ ہاں، ہم نے چومتے ہوئے دیکھا جان نثاروں کو جو وطن کے لیے شہادت دیتے ہیں، ان ماؤں کو جب ان کے بیٹوں کے تابوت پر پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، وہ ساری عمر سے اس پرچم کو چومتی ہے کیونکہ اس میں سے اس کے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جس نے وطن کے لیے جان دی ہوتی ہے۔ تو آج جو وطن کے لیے غدار باتیں کر رہے ہیں، انہیں اپنے کردار پر شرم آنی چاہیے کہ گزشتہ زندگی میں 3-3 بار انہوں نے اقتدار لیا، نہ ملک سے غربت ختم کر سکے، نہ ملک سے جہالت ختم کر سکے، نہ ملک کو صحت دے سکے، نہ ملک کو قرضوں سے باہر لا سکے، بلکہ پاکستان کو اس دلدل میں ڈال دیا ہے جہاں ہم اربوں روپے کے مقروض ہو گئے اور عالمی عدالتوں سے ہم کیس ہار چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پولیٹیکلز، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا سیاسی شعور نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں، لیکن ہمیں انہی میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے ان کے 2013 کے بھی منشور دیکھی ہے جو کہتے تھے 2018 میں بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا۔ ہم بجلی کے بحران کے ساتھ پانی کے بحران میں بھی چلے گئے۔ ہم شکر گزار ہیں عدالتوں کے جنہوں نے ملک کو انصاف کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کیا اور ان لوگوں کا احتساب کیا، اور میں ان کے لیے دعا گو کرتا ہوں اور پورے پاکستان سے کہتا ہوں کہ تمام جج صاحبان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جن کا لا انفورسمنٹ سے اور جن کا انصاف سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جرت، حوصلہ اور بلندی پیدا کرے کہ وہ حق سچ کا فیصلہ کرے
اور ظالم کو ظالم اور نیک کو نیک. بالکل صحیح بات کی ہے ناظرین کرام کہ ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کہنے کا جذبہ اور ہمت انہی لوگوں کے اندر آتی ہے جن کے اندر ایمان جاگ رہا ہوتا ہے. اور نو ڈاؤٹ میں تو اس حوالے سے ذرا سا بھی کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہوں. میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان اپنی صحیح سمت کی جانب سفر شروع کر چکا ہے. اور اب ناظرین کرام ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اب بڑے لوگوں پر بھی ہاتھ پڑ رہا ہے, بڑے لوگ بھی اب جیلوں کا منہ دیکھ رہے ہیں. ورنہ پاکستان میں تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو طاقتور آدمی ہوتا ہے اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے سب گھبراتے ہیں, لیکن اب یہی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ بھی اب جیلوں کا رخ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن اور بہت زیادہ کامیابی کے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گو کہ دشمن جو اس وقت اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے. ہماری گزشتہ دو دن پہلے جو ٹرانسمیشن ہوئی تھی اس میں آتم پرکاش صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اس پر ہم نے دیکھا کہ کل بھارت کے میڈیا نے بڑا شدید رد عمل دکھایا ہے اور ان پر کئی چینلز پر انہوں نے ان چیزوں کو کنڈیم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا چہرہ ہے, آتم پرکاش پاکستان کا چہرہ ہے جو ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں اور سیدھی اور کھری بات کرتے ہیں. دیکھیے میں یہی پوری دنیا کو ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ, خام کا تعلق کسی مذہب سے ہو, وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے پاکستانی ہم مسلمان ہیں, اتنے ہی پاکستانی یہ ہمارے ہندو کمیونٹی ہو, ہماری مسیحی کمیونٹی ہو یا دیگر مذاہب کے لوگ ہوں, یہ پاکستان کا روشن چہرہ ہے. میں چاہوں گا آتم پرکاش صاحب آپ سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کیجئے گا کہ انڈیا میں آپ نے جو وہ جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کی تھی اس پر بڑا انہوں نے واویلا مچایا اور وہ آپ کے خدشات بھی صحیح ثابت ہوئے. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کل کا جو الیکشن ہم پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا اس پہ بھی ذرا تبصرہ ہو جائے ساتھ. جی پہلے تو آپ کا شکریہ راؤ سر. بات صرف کہنے کی یہ کہ مجھے بتائیں کہ ایسا پاکستان دنیا کی نظروں میں ایسا کیوں کھٹکتا ہے, چاہے وہ انڈیا کی نظروں میں ہیں دنیا کی نظروں میں. ہم انڈیا سے بہت چھوٹے ملک ہیں لیکن آج 70 سال ہو چکے ہیں, ان کو ہم سے بہت تکلیف ہے, ان کو ہم سے بہت پریشانی ہے. اب یہاں پر جو پرسوں آپ نے پروگرام کیا تھا شوکت جیسی شوکت صدیقی صاحب کے اوپر, تو اس پہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ اس پہ ان کو ثبوت دینے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا بھی دل میں چاہے جمہوریت کا مطلب ہے, مائک مل گیا تو مائک مل گیا تو آپ کو جو دل چاہے بولتے رہیں گے. یہاں ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں ان کو جواب دے دینا پڑتا ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار نے آپ کے پروگرام کے بعد اس پہ سموٹو لیا, نوٹس لیا اس کے اوپر, نوٹس لے کے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ جی میں تو نہیں چلو ان سے پوچھتا, ہائی کورٹ جو ان کی پنڈی کا جو ان کا ہائی کورٹ پنڈی کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے کہا گیا کہ جی آپ ان سے ثبوت لیں اور آپ کے اوپر جو الزام لگیں تو آپ ان کی بھی تردید کریں, ان کے ثبوت دیں کیا یہ باتیں جھوٹی ہیں سچی ہیں. انہوں نے انٹرنل انکوائری کے لیے ان کو نامزد کیا ہے, چیف جسٹس اسلام آباد جو پنڈی کے ان کو نامزد کیا, اور وہ اس کی پوری تفصیل بنا کے ان کو جب بھیجیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. انہوں نے کس کی ماں پر ایسے بولنا بڑا آسان ہے, کسی بھی میڈیا کے سامنے آ کر ملک کو بدنام کرنا آسان ہے. ان کو بہت پیار محبت آ رہا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, شوکت عزیز صدیقی صاحب کو, تو اس دن میں انہوں نے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جتنے بھی الزامات لگیں تو کیا وہ پاک فوج نے لگے یا پاناما لیک کے جو واقعات وہ باہر سے ہوئے, جی پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو شائع کیا, کوئی پاک فوج کے کہنے پہ تو نہیں, یا ایسے کے کہنے پہ تو وہ لسٹ نہیں بنی, نام آئے لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے. پھر ہم نے دیکھنا یہ کہ ہمارے ملک کو پہلے ہی 2 ٹکڑے 71 کے بعد کیا گیا, اب کیا چاہتی دنیا کے جو لوگ ہیں, پاکستان کے جو دشمن ہیں, ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ وہاں بھی بارڈر بند ہے فی الحال الیکشن کی وجہ سے, وہاں حالات کبھی خراب کیے جاتے ہیں, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے جاتے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اور انٹرنل دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ آرمی پلوٹ صاحب کا واقعہ ہو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور چاہے مستون کا واقعہ ہو, چاہے بنوں کا ہو, چاہے کے پی کے میں اور واقعات ہوں. ابھی آج بھی میں میسج پڑھ رہا تھا اور بھی بڑے خدشات تھریڈز آ رہی ہیں, ہائی الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں سب کو ہوشیار اور چکنا رہنا ہے. اور کل آپ راؤ صاحب دیکھیے گا جی جی اتنی دھمکیوں کے باوجود یہ پاکستانی فوج آج پاکستانی فوج اور پاکستان کے نوجوان ہر اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں. اور آپ کو میں کیسے ایسا دلاؤں یقین دلاؤں, ایک ایک نوجوان موبائل سے میسج کر کے اپنا وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو ووٹ کہاں ڈالنا ہے, تو اتنا لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے. اور جو پچھلے 5 سال کی اسمبلی ہے لوگوں نے بڑے الزامات لگائے تھے کہ پاک فوج اس کو پورا کرنے نہیں دے گی ٹائم, اب یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے جو آنے والے وقت کے ملک کو خطرات کی باتیں کرتے, یہ ہو جائے گا جو کچھ بھی نہیں ہو.
अल्लाह ने 5 साल पूरे कर दिए, 5 साल का इलेक्शन होने जा रहे, सबको तक इलेक्शन नहीं होंगे, धमाके करवाएं। और कल आज हम इलेक्शन की जितना ईद से पहले चांद रात मनाई जाती है, आज इलेक्शन से पहले आज चांद रात मनाई जा रही है, उसके ऊपर हमारी पूरी कौम अपने मुल्क के इदारों के साथ खड़ी है। आज आप खुद देखें कि हम कितने नए कपड़े पहनकर कल की तैयारियों में लगे हुए हैं, कि हम 2-पीस टाई पहनकर, ये ऐसे हमारे जैसे ही कफन है हमारे, लोगों को डरा रहे हैं कि आप कल मत जाइएगा, वहाँ धमाका हो सकता है ये, लेकिन लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, हर किसी को अपने फ्यूचर की फिक्र है, हर किसी को आने वाले वक्त के अंदर अपने पाकिस्तान को बचाने की फिक्र है। जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आतम प्रकाश साहब आपने जो सवाल और जो उसका जवाब दिया है वो बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त बात की आतम प्रकाश साहब ने कि भाई हम तो नए कपड़े पहनकर आए हुए हैं। और देखिए नाज़रीन कराम, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यही पाकिस्तान का वो जज्बा है, यही पाकिस्तान का वो यकीन है कि देखें दुश्मन ने कोई कमी छोड़ी पिछले गुज़िश्ता, ये बिलखसूस मैं अगर इन 4 हफ्तों का जिक्र करूँ तो बिल्कुल सही बात की आतम प्रकाश साहब ने कि जनाब पूरी सोशल मीडिया पर कंपेन चली, मीडिया ने भी उन चीज़ों को उठाया कि जनाब दुश्मन पूरी तैयारी के साथ हमला आवर हो, बिल्कुल उन खदशात का इजहार हर फोरम से हुआ, लेकिन वो हुए भी, ऐसा नहीं है कि खाली वो खदशात ही थे और वो मामलात नहीं हुए, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी कीमती जानों के नजराने दिए। और बिलखसूस मैं क्वेटा से सरदार सराज रई सानी को सल्यूट पेश करता हूँ कि जिस कुर्बानी से पहले उनको जैसे कोई अल्लाह ने बता दिया हो, उनके दिल में ये बात डाल दी हो कि वो सिर्फ अपनी कुर्बानी से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर आते हैं, अपने मोबाइल को अपने सामने रखते हैं और एक पैगाम देते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, और उनका पैगाम वो यही था। और उन्होंने कहा, खड़े होकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाक फौज हमारे दिल के साथ धड़कती है, कोई गलत फहमी में ना रहे कि हमें आपस में लड़वा के कोई वो फ़ायदा निकाल लेगा, हमारे पाक फौज के बेटे अगर शहीद हो रहे हैं तो हम भी अपने वतन पर शहीद होना बहुत बड़ी सआदत समझते हैं। और नाज़रीन कराम, अल्लाह ने जो सराज रईसानी को इज़्ज़त बख्शी वो चश्मे फलक ने भी देखा कि उनकी शहादत से पूरे पाकिस्तानी नौजवानों में एक नया वलवला और जज्बा पैदा हुआ और वो सब पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए। फिर दुश्मन ने अगला वार किया कि हमारे जो उम्मीदवारान खड़े हुए हैं उन पर हमले किए। अब तक की खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त भी थ्रेट्स हैं और सूरत हाल को बहुत ज़्यादा खौफनाक बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पाक फौज ने इन तमाम अय्यारियों और मक्कारियों और फरेबों को पाश पाश कर दिया। हमारे जवान सड़कों पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी नौजवान उनको सल्यूट करने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, और जो दुश्मन एक साजिश तैयार कर रहा है उसको हम अपने प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे। इस वक्त एक मुख्तसर सा नाज़रीन कराम वक्फा हो रहा है। आज का ये खसूसी प्रोग्राम अवाम का राज आपके लिए खसूसी तौर पर, खसूसी नशरी के तौर पर पेश किया जा रहा है। देखते रहिए अवाम का राज विद राव नासिर अली जहांगीर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अवाम का राज विद राव नासिर अली जहांगीर में खुश आमदीद कहते हैं। और वक्फे पे जाने से पहले आतम प्रकाश साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, और बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने, ये जुमला डाल के पूरी पाकिस्तानी कौम के दिलों को खुश और शाद और आबाद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन को ईद की तरह मना रहे हैं और हम तो नए कपड़े पहनकर आए हुए हैं, हम तो पूरी कोशिश और तैयारी के साथ आए हुए हैं। और बिल्कुल नाज़रीन कराम, हर पाकिस्तानी पूरे जोश और जज्बे के साथ जो है ये इलेक्शन सेलिब्रेट करें, बाहर निकले। 25 जुलाई कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह का शुक्र है, देखें दुश्मन ने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया। और पूरी ये ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में ये गुफ्तगू हो रही थी, आप ये देखिए कि हमारा ये जो वाकया हुआ है, जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू पर जो सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई, जो सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ बांटी गई, जो सबसे ज़्यादा हम देख रहे थे वो हिंदुस्तान में देख रहे थे, भारत में भारत के मीडिया ने सबसे ज़्यादा जो उस बयान को अपने प्रोग्रामों के अंदर बार बार चलाकर पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक मजाक बनाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि जनाब देखिए इनके, हाँ एक ऐसा भाई क्या देखिए, पाकिस्तान के अंदर जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह
मुहिब वतन लोग हैं वहाँ, आप लोगों ने भी तो ऐसे लोग यहाँ उतार दिए हैं ना जो मीर जाफरों का किरदार अदा कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में कलभूषण भी पकड़ा गया है, कलभूषण क्या जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, वो तो इंडिया में पैदा हुआ था और उसने आए, और लेकिन हमारे ही मुल्क में यही नवाज शरीफ साहब थे, सब लोगों ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब कलभूषण के हवाले से ज़रा आपको एक बयान ही दे दें, तो उन्होंने नहीं बयान दिया। तो ये हकाइक भी हमारे सामने। और नाज़रीन इकराम देखें, एक चीज़ हमें सोच लेनी है कि जितने भी करप्ट सियासतदान हैं, इन्हें कई दफ़ा मौका मिला है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, या अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं तो तहरीक इंसाफ हो, या दीगर जो लोग हैं जिनको हुकूमतों में मौका मिला है, आपके पास बेहतरीन वक्त है उसको जज करने का, क्योंकि अब जो टाइम है आपने जज किया हुआ है कि किन किन लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या काम किया है। वो जो काम उनका किया हुआ है, आप जिसको बेहतर समझते हैं बाहर निकलें, अपने वोट की पर्ची से उसे मुंतखब करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करें। और ये बहुत ज़रूरी है, सोचना है हमें, हमें आज रात ये फैसला करना है। फैसला तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, चले आज की रात हमारे पास मौजूद है, आज की रात हमें ये फैसला करना है कि हमने सुबह किस पार्टी को वोट देकर उसे पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ाना है, ये ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ सलीम माइकल साहब मौजूद हैं। सलीम माइकल साहब से पूछेंगे कि अब जो ये फिज़ा बन चुकी है पाकिस्तान में, और सारी साजिशों और सारी तैयारियों और सारी हरकतों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब कल के लिए एक अलग सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ है, जी कल ये होगा वो होगा, वो एक अलग बहस है, आखिर में हम उस साजिश का भी जिक्र करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि जो सियासी पार्टियाँ हैं उन पर ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए कि आप ज़ाहिरन सोशल वर्कर हैं, आप आवाम के अंदर रहते हैं, आवाम की नब्स को जानते हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इन सियासी पार्टियों के किरदार को कि सुबह ज़ाहिरन कौम ने भी निकल के हम सब ने वोट करना है, तो इनके किरदार पर भी ज़रा बात हो जाए। देखिए कल सुबह जो है वो हमारे पास एक मुकद्दस अमानत है जिसको हम वोट कहते हैं जी, ये वोट पाकिस्तान की तकदीर को लेके तरफ जा रहे हैं, आप उसकी आने वाले के 5 साल लिखने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। अब माजी के उन लोगों को पहचानी है जिन्होंने खिदमत को एक प्रोफेशनल बना लिया, ये खिदमत का जज्बा था कि लोग खिदमत के जज्बे से आते थे अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए, उसकी सलामती के लिए, अपने शहर के लोगों की बका के लिए, उनकी सहूलतों के लिए। आप माजी के उन दौर में देख लीजिए जब पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियों ने मुख्तलिफ औकात में जो है पाकिस्तान की सरबराई की है, तो उस सरबराई में जो लूटमार, जो करप्शन, जो बेरोजगारी और अनगिनत अमवात, हम अपने मुल्क की आवाम को सेहत नहीं दे सके, हम अपने मुल्क की आवाम को तालीम नहीं दे सके, हम उन्हें इंसाफ नहीं दे सके, हम उन्हें उनकी हिफाजत नहीं कर सके, तो इस शहर में पाकिस्तान के पूरे शहर से माओ ने अपने बच्चों समेत खुदकशियाँ भी की हैं। सही। और जिस दीन से हमारा ताल्लुक है और जिसका पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आलमबरदार है इस्लाम का, और हमारा ईमान था कि ये स्टेट मक्का मदीना जैसी होगी, क्या जिन लोगों को हम जिम्मेदारियां दे चुके थे क्या वो इस काबिल थे कि वो उस मुल्क को मक्का मदीना जैसी स्टेट बना दें? हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। और आज जो हालात साजगार कर दिए गए हैं पाक फौज की मदद से, क्या ऐसे हालात कभी थे, ऐसी आज़ादियाँ कभी थी कि हर एक महल्ले के अंदर 6-6 झंडे किसी के लग सके? उस वक्त ये शहर के लोग और ये हुकूमतें कहाँ थी जब एक शहर में एक ही झंडा लग सकता था और दूसरे की जरूरत नहीं होती थी? आपको आज़ादी जो मिली है वो पाक फौज ने अपनी जानों के नजराने से आपको आज़ादी दी है, सलामती दी है, आपको उस डर से, उस खौफ से, उस माहौल से बाहर निकाला है कि आप पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। क्या यहाँ पाकिस्तानी फौज ने किसी से कहा है कि किसी को वोट दें? उन्होंने आपको साजगार माहौल बना के दिया है कि आप तमाम डिप्रेशन से बाहर आए, आप उन लोगों के खौफ से बाहर आए, आप जिसको चुनना चाहते हैं अपने लिए चुनें। और ये जो अपने आप को सूबाई असम्बली के मेम्बरों के लिए लोगों ने पेश किया है, कौमी असम्बली के लिए पेश किया है, ये आपके 5 साल के लिए नौकर हैं। इन्होंने अपना मंशूर पेश किया कि हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, ये आपके हाकिम आपके आप पर
हुकूमत नहीं कर सकते, ये आपकी सिर्फ खिदमत कर सकते हैं। इलेक्शन को समझने के लिए तालीम की ज़रूरत है, और तालीम खुदा ने चाहा तो आने वाले वक्तों में हमारे शहर के लोग, हमारी एनजीओस, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी हमारे फराई अदारे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के नंबर वन पे फराई अदारों में आता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अदारे अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। जस्टिस एक्ट एंड इंसाफ मुहैया कर रही है, सैलानी खाना दे रहा है, चीपा एम्बुलेंसेस दे रहा है, ईदी खिदमत कर रहा है, डॉक्टर रूथफो बीमारी पे काम कर रही थी, हमारे पास इतनी बड़ी लीजेंड्स हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी, जो आप लोगों की सपोर्ट से ही अपने शहरियों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल एक रोशन मिसाल है कराची के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के अंदर अगर यही जज्बा पैदा हुआ तो ये MP MNA सिर्फ असम्बलियों में रहकर, हमें अफसोस है कि ये असम्बलियों में रह के नीचे नहीं देखते, इनकी नजरें इतनी ऊंची हो जाती है। आज ये किस मुंह से अपने लोगों के पास जा रहे हैं, और लोगों को चाहिए कि इन लोगों का एहतसाब करें और इनको एहसास हो कि इन्होंने माजी के 5 साल अपने लोगों से, अपनी आवाम से रबते में नहीं रहे, और जब रबते के लिए गए तो जो वो कर रहे हैं मेरा ख्याल है उनके साथ जायज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है जनाब सलीम माइकल साहब ने, और मैं प्रोड्यूसर साहब से भी कहूंगा कि वो एक क्लिप दिखाएं जरा। ये निजाम बदध्यानती का निजाम, जहां पर कचहरी में इंसाफ बिकता है, जहां पर थाने में जुल्म होता है, मैं इस निजाम के खिलाफ आज बगावत का ऐलान करता हूं। वो जिसमें कल जो है एक सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नौ मुंतखब सरबरा हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कल जो गुफ्तगू फरमा रहे थे और वो कल कह रहे थे कि मैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत करता हूं, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस जुल्म को नहीं होने दूंगा और मैं थाने में जुल्म को बंद कर दूंगा। तो हज़रत आप कहाँ थे? आप ही तो 13 साल तक पंजाब के वाहिद खादिम आला रहे, पूरी हकूमती मशीनरी आपके पास रही, तो अब रातों रात आप कैसे पूरे निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं? आतम प्रकाश साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल का जब ये बयान चला है शहबाज शरीफ साहब का, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा उसके हवाले से एक ट्रेंड रहा और उसमें बात हुई कि भाई आप 13 साल तक हुकूमत चलाते रहे हैं, अगर आप पूरे अदवारे को देखें तो 3 दफ़ा जो है आपको ये जिम्मेदारी कौम ने दी है, फिर आप इलेक्शन से एक रात पहले अपनी इलेक्शन मुहिम को ख़त्म करते हुए ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जनाब मैं बगावत करता हूँ, यानी ये लतीफ़े सुनाने वाले टाइम, उन्होंने जो लतीफ़ा अंदाज था उस पर पूरा सोशल मीडिया पर गुफ्तगू हो रही है। मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा आप अपने कॉमेंट्स कर दें पहले। असल में क्या है राव साहब, ये इलेक्शन से पहले जो ना पब्लिसिटी का एक स्टंट होता है, पब्लिसिटी का एक शौक होता है लोगों की बातों में आना। जैसे उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा कराची के लोगों के लिए के पान गुटखा खाने वाले हैं, जी। उनको नहीं पता चल रहा होता। अब एक आदमी एक दिन में 4-4 जलसे अटेंड कर रहे होंगे, तकरीरें कर रहे होंगे, तो ना सो रहे ना जाग रहे, तो उनको जो दिमाग में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। तो 13 साल आपने जो बात कही उनका इकतदार रहा, तब तो उनको कभी कराची याद नहीं आया, कभी थाने याद नहीं आए, लेकिन अब जब इलेक्शन का वक्त आए तो वो तो ऐसे आगे रह रहे हैं कि जैसे 13 साल बाद उनको कोशिश है कि कराची को वो लाहौर बनाएंगे, कराची को वो पेरिस बनाएंगे, तुर्की बनाएंगे। तो मैं नहीं इस बात में एग्री करता, मैं ही समझता हूँ कि जो सिस्टम और जो निज़ाम है जिसको बदलने की बात कर रहे हैं ये उन लोगों ने खुद ख़राब किया हुआ है। आप खुद देखें, जब भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी तो उसमें जो नाम दिए गए अपोजिशन लीडर ने दिए, अपोजिशन लीडर ने दिए और उनके वज़ीर आज़म ने दिए, नवाजी साहब ने। अब मुझे बताएं जो केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन कराने आई भी है उनके नाम जब ये लोग देंगे तो उस इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मुझे तो शक होता है। जो केयर टेकर मिनिस्टर बने हुए हैं वो नाम भी यही देते हैं, जो नेप के चेयरमैन बने हुए हैं वो नाम भी यही देते हैं। आप मुझे बताएं, पहले तो 5 साल मुझे आप खजाना दें और मैं उस खजाने को लुटाऊँ, और 5 साल के लिए खजाने के लिए जो चेक करने के लिए बंदा है उसका नाम मैं अपनी मर्जी से दूँ। ये निज़ाम जो है बदलना पड़ेगा। पहले जो हमारे सदर पाकिस्तान की जो पावर होती थी वो पावर भी उनसे छीन ली गई, वो किसी वजह से उनको हटा नहीं सकते, तो उसके लिए आने वाले वक्त में कोई सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, कोई तरीका बदलना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा इदारा, हमने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा, कोई ना कोई ऐसा इदारा चाहे वो पाकिस्तान के लिए एक नेशनल इलेक्शन प्लान की तरह कोई सुप्रीम बॉडी हो जिसमें पूरे पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी के लोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हों, फॉर्मर चीफ जस्टिस हों, फॉर्मर सिविल सोसाइटी के लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, उन सबको मिला के इस लेवल के ऊपर, यानी हर किस्म के चेयरमैन हों, उसको एक इदारा बनाया जाए जिसको सुप्रीम काउंसिल कहते, ईरान में बनी थी सुप्रीम काउंसिल, इस तरह के एक इदारा बनाया जाए
ऊपर वो सबसे बड़ी चीज़ हो, वहाँ जो फैसले हों तो उसको हमको मानना पड़े। फ्यूचर की मुस्तकबिल के हमें बात करने के लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अब जो कल इलेक्शन होने जा रहे हैं जी जी जी, मुझे लगता है मेरी अपनी सोच है कि हमने सारी सियासी पार्टी को देखा है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो आज़ाद लोगों को वोट दें, आज़ाद लोगों को मंतखब करें। क्यों इसमें इस वक्त नई बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी आगे आए हैं, नए उलमा भी आगे आए हैं, नए प्रोफेसर भी आगे आए हैं, उन लोगों को मंतखब करें जो कम्युनिटी के लिए सोशल वर्क का दर्द रखते हों। मैं समझता हूँ जैसे माइकल भाई हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जैसे नदीम शेख एडवोकेट साहब हैं, जस्टिस हेल्पलाइन के हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो काम करते हैं, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई फंड नहीं है, तो जितना आप काम करते हैं राव साहब जी जी, मैं समझता हूँ सोसाइटी को उन लोगों की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि लाजमी आने वाले वक्त में सियासत करने के लिए ज़रूरी हो कोई 5 साल का कम्युनिटी वर्क का सर्टिफिकेट लाजमी अटैच होना चाहिए। एक सोशल वर्कर ही आगे सियासत आगे करे तो वो खिदमत का दर्जा और जज्बा रखता हो। जिस तरह माइकल भाई ने ईदी साहब की दूसरों की मिसाल दी, इस तरह हमें अगर नए ईदी पैदा करने हैं, हमें आगे नए लोगों को पैदा करना है, तो उसके लिए हमें लोगों में पब्लिक की खिदमत का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जो सियासत है वो अमीर होने का एक रास्ता है, करप्शन का एक रास्ता है। आप जब किसी सियासी पार्टी के झंडे के नीचे जाएंगे तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा, तो ये लोगों की भूल है। मैं समझता हूँ कि राव साहब आने वाले वक्त जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अगले 5 साल मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो एहतसाब की असम्बली आएंगी, और एहतसाब शुरू हो चुका है, इस निगरा हुकूमत से पहले शुरू हो चुका है, और आने वाले वक्त में उन सारे लोगों का एहतसाब होगा। नीचे से जो कहते थे इंसाफ मिलेगा नहीं, अब ऊपर से इंसाफ मिलेगा। बड़े बड़े लोग मुझे तो आने वाले वक्त में जेल जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की और सीपेक की और पाक फौज की और हमारी आईएसआई की सबकी फतेह होगी। फतेह इसलिए होगी कि मुल्क के लिए काम करें। आप लोग बोलते हैं आसान है कि प्लॉट मिलते हैं, ज़मीनें मिलती हैं, प्लॉट के अलावा टांगें भी तो करती हैं, बम ब्लास्ट में खुद के शिमलों में शहीद भी तो होते हैं हमारे जवान, तो वो हम आपको देते हैं, आप अपनी टांगें कटवाइए, आएँ टांगें कटवाने पर जितने प्लॉट चाहिए ले लें। आसान नहीं है बातें करना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, पाक फौज पर इल्ज़ाम लगाना, हमें इन चीज़ों से रोकना पड़ेगा। आज ये बात करते हैं कि आईएसआई के किरदार को, कि आईएसआई का किरदार क्यों है पाकिस्तान में। आईएसआई का किरदार इसलिए पाकिस्तान में कि गैर मुल्की एजेंसियाँ, चाहे वो रॉ हो चाहे बाहर की एजेंसियाँ हों, वो पाकिस्तान में जब एजेंसियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं, उन एजेंसियों को रोकने के लिए कौन काम करेगा? तो आईएसआई काम करेगी, हमारे इदारे काम करेंगे, हमारी पाक फौज काम करेगी, तो उन सबको रोकने के लिए ज़रूरी है कि मैं तो कहता हूँ इन असम्बलियों में जब मुंतखब हो जाए पाक फौज का दायरा और उनके पावर वसी किए जाए, और मुल्क पर जो पाक फौज पर हमारे इदारों पर जो इल्ज़ाम लगाए उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। जो मीडिया चैनल ऐसी कोई खबरें, ऐसे लोग इंटरव्यूज हमारे चैनल पर दिखाएं, सोशल मीडिया पर दिखाएं, उनके लिए एक साइबर क्राइम की तरह बहुत सख्त कानून होने चाहिए। कोई हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर इंडिया में इस तरह की चीज़ें कोई करके दिखाए, फ़ौरन उनके साथ जेल जाना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान में इस तरह की कोई कार्रवाई हो तो सारी दुनिया चलाना शुरू कर देती है। हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। आज 70 साल हो चुके हैं राव साहब जी, हमारी हिंदू बरादरी पाकिस्तान नहीं छोड़ रही, नहीं जा रही, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों खुश है, यहाँ पे मुतमईन है। तो इसी वजह से लोगों को खटकता है, कभी वो चाहते हैं कि मिनोरिटीज पर हमले हों, हमारे अकलीती बरादरी पर हमले हुए, कभी वो चाहते हैं कि हमारे मिनोरिटीज के लोग इस तरह ज्यादती हों और हम यहाँ बैनर लेके खड़े हों। तो हम अपनी हमारी कम्युनिटी के लोगों ने बड़ा उकसाया, हमारी मसीह बरादरी को बड़ा उकसाया, लेकिन हमारे लोग समझते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहे हैं। हम भी इसी कौम का हिस्सा हैं, इस सफ़ेद और ग्रीन झंडे का हम हिस्सा हैं, उसके अंदर जो कुछ होगा हम सबके साथ मुश्तरक होगा, हम सब एक साथ हैं और हम सब मुतहिद हैं। ज़बरदस्त बात यही है नाज़रीन कराम, और यही मैसेज है अवाम के राज का। बुनियादी तौर पर ये जो हम नशरियात, खसूसी नशरियात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा मकसद और हमारी ख्वाहिश यही है कि वतन अजीज़ के अंदर हम प्यार, मोहब्बत, अमन और चाहतों के दीप जलाएँ, मोहब्बतों को फ़रोग दें, नफ़रतों का खात्मा करें। और पाकिस्तान नाज़रीन कराम जो है वो एक गुलदस्ता है तमाम मज़ाहिब के लोगों का, जहाँ पर सब के लिए एहतराम और इंसानियत ज़रूरी है। और यही पैगाम हम आवाम के राज में आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आत्म प्रकाश ने अपने आज के इस प्रोग्राम में, और वो बहुत ज़बरदस्त है, और मैं समझता हूँ अल्लाह करे ये बात जो है अवाम की, ये जो बात है अवाम की, जो ख्वाहिश है ये हमारे बड़ों तक भी पहुँचे, जो मुक्तदर हलके हैं, जिनके पास ताकत है, जो नफूस कर सकते हैं इन चीज़ों का, कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हुकूमत होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ को ही पहला नंबर दिया जाना चाहिए। कोई भी शख्स, खास उसका कोई भी मकाम हो, वो किसी भी ओहदे पर हो, अगर वो करप्शन के अंदर
پایا گیا ہے اس پر ثابت ہو گئی ہے تو پھر بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اس کو پورے پروسیس سے گزارا جائے اور یہی زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ہم چائنا کی مثال دے سکتے ہیں کہ وہاں پر کرپٹ لوگوں کو سرعام گولی مار دی جاتی ہے اور اگر یہ سلسلہ اللہ کرے پاکستان میں شروع ہو جائے اور ان کرپٹ لوگوں کو سزائیں دینے کا عمل شروع ہو جائے تو باقی کرپشن خود بخود ختم ہو جاتی ہے جب بڑے لوگوں کی گردنیں شکنجے میں آتی ہیں تو پھر نیچے کرپشن خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور یہی ناظرین کرام ضرورت ہے پاکستانی قوم کے پاس کل کا بڑا قیمتی دن ہے اس میں ہم یقینی طور پہ ووٹ کی پرچی سے ان لوگوں کو منتخب کر سکتے ہیں جو واقعی پاکستان کو رول آف لا کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان میں امن چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر انصاف چاہتے ہیں انصاف ہماری ملک کی اسی طرح سے ضرورت ہے جیسے کسی انسانی جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین کرام حضرت علی کا وہ کال ہمارے سامنے ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اسی زرزمین پر وہ مظالم بھی ہوئے ہیں جسے سلیم مائیکل صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ان کی طرف اشارہ کیا مقصد یہی ہے کہ اب جو الیکشن کے اندر لوگ منتخب ہوں ان لوگوں کو منتخب کیا جائے جو واقعی پاکستان کو روشنی کی طرف لے جا سکتے ہیں اور بہت اچھی بات کی ہے سلیم مائیکل صاحب نے بھی کہ بھائی یہ جو لوگ منتخب ہو رہے ہیں یہ نوکر ہیں ہمارے اب ان نوکروں کو جو آپ ووٹ دے کے منتخب کر رہے ہیں یہ شعور کی ضرورت ہے کہ یہ 5 سال پھر غائب ہو جاتے ہیں جب احتساب کریں گے ان کو احساس دلائیں گے کہ یہ پاکستان کی خدمت کا حلف دے کے پاکستان کی خدمت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں مال مفدل بے رحم کی طرح پاکستان کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ہے آپ یقین جانیے جب یہ شعور اور یہ چیزیں عوام میں آ جائیں گی تو پھر عوام باہر نکل کر ان کو کان سے پکڑ بھی سکتی ہے کہ آپ ہماری قوم کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں یہی ضرورت ہے اس وقت ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد ہم دوبارہ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آج کا جو نشریہ ہے وہ خصوصی ہے اس پروگرام کا جو ٹائم ہم نے جو بڑھایا ہے اس کا مقصد یہی ہے چونکہ آج بہت بڑا دن 25 جولائی الیکشن بہت سی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں جوش و جذبہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ نظر آ رہا ہے پوری نیشن پورے قوت کے ساتھ الیکشن میں شریک ہو رہی ہے جی ناظرین اس وقت ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے عوام کا راج ود راؤ ناصر علی جہانگیر ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو عوام کا راج ود راؤ ناصر علی جہانگیر میں خوش آمدید کرتا ہوں اور پروگرام میں وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اپنے معزز جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان سے بہت سے سوالات پوچھے جن کے جوابات آپ تک پہنچے وہ یقینی طور پر آپ کی سمت اور آپ کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے لیکن اب چونکہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے اور اس میں ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے آج جو ہم ساری صورتحال پر ہم نے بات کی ہے میں نے چاہا کہ یہ بات بھی آپ تک پہنچ جائے کہ اس وقت پورے کچھ سروے ہوئے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کچھ سروے ہوئے ہیں اور ان سرووں پر جو رپورٹس ہم تک پہنچی ہیں اس میں مختلف تنظیموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون پہلے نمبر پر آ رہا ہے کل کون دوسرے نمبر پر وہ تو کل ہی پتہ چلے گا جب عوام ووٹ ڈالے گی حقیقی جو سروے ہے وہ کل ہمیں پتہ چلے گا لیکن اس سے پہلے جو سروے ہوئے ہیں آتم پرکاش صاحب میں چاہوں گا آپ اس پر اپنی گفتگو کریں سب سے پہلے کہ یہ جو ابھی سروے رپورٹس آ رہی ہیں جن میں یہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں دعوے ہو رہے ہیں اس پر ذرا فرمائیے گا آپ کی اپنی کیا رائے ہے جی میری رائے سے اس میں یہ کہ جو لوگ امید کر رہے ہیں لوگ جو سروے میں فیس بک پڑھ رہے ہیں اخباروں میں پڑھ رہے ہیں جو تجزیے سن رہے ہیں ان کے مطابق لوگوں نے تو یا سوشل میڈیا نے یا جو بھی رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے سب نے تو پی ٹی آئی کو جو ہے نا گورنمنٹ بنانے کے لیے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک اس طرح کی امید دکھا دی ہے اس طرح کے خواب دکھا دیے لوگوں کو کہ بعد ان گورنمنٹ عمران خان صاحب کی بن رہی ہے اور ان کی حکومت بن رہی ہے اکثریت کے ساتھ بن رہی ہے یا اتحادیوں کے ساتھ بن رہی ہے تو اس میں جو سروے تو لوگوں کا یہی آ رہا ہے میری اس کے اندر سوچ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی آسان ہے فیڈرل گورنمنٹ چلانا اتنا آسان ہے فیڈرل گورنمنٹ کی وفاقی حکومت کو چلانا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر ابھی پی ٹی آئی کو کسی دوسرے صوبے کی حکومت بھی مل جائے نا اگر ایک صوبہ کے پی کے بچا لیں اپنا وہ اور دوسرا صوبہ کوئی پنجاب کہہ لیں یا بلوچستان کہہ لیں یا سندھ کہہ لیں اگر کسی اور صوبے میں اگر ان کی گورنمنٹ بن جاتی تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑے اچیومنٹ ہوگی اور اقتدار کے اندر
उनके अंदर मैक्सिमम सीटें उनको मिल जाए तो भी बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कौमी असम्बली की जो सीटें मिलेंगी फेडरल के अंदर वफाक के अंदर वो शायद नून लीग को मिलेंगी। क्यों? वो हमारी पाकिस्तानी कौम में एक चीज़ है कि सिंपति, हमदर्दी, हम लोग किसी के दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो उसमें सिंपति उनको मिल रही है इस बात की कि उनकी नवाज शरीफ साहब की जो बीवी हैं कुलसुम नवाज वो वहाँ पर बीमारी में पड़ी हुई हैं, उनका वहाँ लंदन में इलाज हो रहे हैं और बेटी उनकी जेल में है, वो खुद जेल में है, तो और शहबाज शरीफ अकेले कैंपेन चला रहे हैं। तो वो जो पंजाब की जो सिंपति है मैं समझता हूँ कि वो उनको 100% मिल रही है। आप देख लीजिएगा, यानी आप ये समझ रहे हैं कि कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर आपकी नज़र में जो सर्वे आ रहे हैं वो अपनी राय अपनी है कि आप ये समझ रहे हैं कि कल मुस्लिम लीग नून जो है वो विन करती हुई नजर आ रही है, पहला सीटें सबसे ज्यादा लेंगे, सीटें जाहिर लेंगे तो पंजाब में भी सीटें सबसे ज्यादा लेंगे, कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा लेंगे, केपीके में मैं समझता हूँ कि शायद एनपी इस बार सीटें ज्यादा ले सकती है। अच्छा, क्योंकि आरुण लाड़ साहब को, आरुण लोड साहब का जो वाक्य शहादत का हुआ है और वहाँ जो पहले भी उन्होंने शहादतें दी है वहाँ पे उनको जीत मिल सकती है। सिंध के अंदर जो मुझे जीडीए जहाँ पे जीडीए की हुकूमत बनती हुई नजर आती है, वैसे जीडीए ने, नाज़रीन इकराम में अगर कहूँ तो जीडीए ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा किया है अंदरून सिंध, जो उन्होंने पिछले दिनों अपनी कंपेन चलाई, गो के मीडिया ने उसको इतना ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन आतम प्रकाश साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक किया जा सकता है कि जीडीए ने अंदरून सिंध में बहुत काम किया है। सलीम माइकल साहब आप फरमाइएगा, जो आतम प्रकाश साहब ने कहा है कि जी कल जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है और सर्वे ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है कल ज्यादा सीटें ले जाएंगे, आपकी क्या राय है, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जो सर्वे आ रहे हैं या आतम प्रकाश साहब ने जो कुछ कहा? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा इसी किस्म के वाकयात और हालात रहे हैं। आप देखिए कि एकदम मोहतरमा बेनजी शहीद साहबा शहादत देती हैं और एकदम पीपल्स पार्टी स्वीप करती है और रुझ मिलता है क्योंकि लोगों ने बेनजीर से एक हमदर्दी रखी, उनके बाप के साथ एक हमदर्दी रखी, जी जी, तो एकदम स्वीप की। लेकिन उसी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे डाउनफॉल पर आया और अब जो प्रेजिडेंट की सिचुएशन है उसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपना ग्राफ ऊपर ले जाने में नाकाम रही है। सही। और उसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसने बाकी मैं समझता हूँ कि उन्होंने पंजाब की तारीख में जो रोड बनाए, पुल बनाए, जो चीज़ें बनाई हैं, तो हाजिरीन मैं ये बताऊंगा कि पूरे पाकिस्तान में अलग अलग सूबाई हुकूमतें थी, सिंध में पीपल्स पार्टी थी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई थी, पंजाब में नून था, लेकिन अब ये देखें कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी तामीरी चीज़ चारों सूबों में किसी भी पार्टी ने नहीं की। उसकी वजह यह है कि जब हम पुल बनाते हैं, जब हम बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं तो इसके लिए इंटरनेशनल अदारों से, बैंक से लोन लेते हैं और वो मुल्क अपने मुल्कों के वफादार होते हैं, वो ठेके भी अपने मुल्क के लोगों को देते हैं, उनका पैसा उनके मुल्क में रहता है और हम मकरूज दर मकरूज होते चले जा रहे हैं। किसी ने भी सेहत पर, तालीम पर, किसी चीज़ पर भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नाकाम रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के जितने लोग हैं वो करप्शन के अंदर जो है ना 100% मुलव्वस पाए गए हैं और लॉ एनफोर्समेंट या जो भी इंसाफ के अदारे हैं वो जो अभी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, काश ये रोल वो इससे पहले प्ले करते तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान जिस हालात से दो चार है उससे ना होता। लेकिन कल क्योंकि हमने ये इंसाफ करना है, अपने हक राय देनी है, तो इस वक्त जो एनालिसिस हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं या सोसाइटी में आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे लोग उसको शेयर कर रहे हैं या मीडिया के थ्रू शेयर कर रहे हैं तो वो पीपल्स अपना पीटीआई को जो है उसमें फेवरेट करार दे रहे हैं। जी, पीटीआई को उन्होंने कहा कि 116 सीटें मिलेंगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो नेशनल असेंबली में 59 सीटें लेगी, पीपल्स पार्टी के पास टोटल 27 सीटें होंगी। तो ये मुख्तलिफ लोगों के एनालिसिस हैं लेकिन ये किसको कितनी सीटें मिलनी है ये कल हमारी आवाम बताएगी कि वो किसको कितना चाहती है और किसके साथ क्या इंसाफ करती है, वो माजी में किस किस के गिरेबान को छांव में देखकर और उनको शर्मजार करना चाहती है और किसको सजा देना चाहती है और किसको अपना जो है ना लीडर मुकर्रर करना। लेकिन मुझे राव साहब बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी जिस तरह सेनेट के इलेक्शन जो हुए थे सही सही चंद्रानी साहब की तरह, इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि
शायद चौधरी निसार आजाद लोगों के साथ मिलके जीप की हुकूमत शायद आ सकती है। अच्छा अच्छा, ये इस बार आजाद लोगों की भारी है, ये एक बड़ा इंकशाफ है और बड़ी बहुत बड़ी पेशगोई कर दी है जनाब आतम प्रकाश साहब ने। एक बहुत बड़ी पेशगोई की है कि जनाब वो ये देख रहे हैं, और गो के आप शायद मंजूर वसान ने भी बहुत सारे ख्वाब देखे हुए हैं, आतम प्रकाश साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब मैं जीप की हुकूमत चौधरी निसार साहब के आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं और आजाद निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान जीप है और बहुत सारे लोग जीप के निशान पर इस वक्त इस इंतखाबात में मौजूद हैं। आतम प्रकाश साहब की राय ये है कि मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म के लिए जो है वो चौधरी निसार साहब मुंतखब हों, तो यकीनी तौर पर सलीम माइकल साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया। और हकीकत बात देखी जाए नाज़रीन कराम, वो तो कल का दिन है, कल का जो सूरज है वो पाकिस्तानी क्या करेंगे ये कल रात तक इंशाल्लाह खबरें हम तक पहुँचेंगी। लेकिन हमारी ख्वाहिश और हमारा जो ख्याल और वो यही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे फजल करे, जो लोग भी मुंतखब करे, कौम जिनको कौम मुंतखब करेगी वो यकीनी तौर पर सामने आएंगे। जहाँ तक एहतसाब और दीगर मामलात की बात है, यकीनी तौर पर सलीम माइकल साहब की बात से इत्तफाक किया जाएगा कि एहतसाब यकीनी तौर पर पहले होना चाहिए था। अब जो भी हुकूमत बने, जिनको भी ये इख्तियार मिले, उनको भी यही करना है कि वो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को पहला नंबर दे, इसी चीज़ को आगे बढ़ाए। आज का ये प्रोग्राम नाज़रीन कराम ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए हमने इसीलिए तैयार किया कि आप तक ये मालूमात पहुँचे और आप एक सही फैसले की तरफ बढ़ सकें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो नासिर। आखिर में मैंने प्रोग्राम के लिए एक बात की थी आपसे, प्रोग्राम का जब मैं शुरू कर रहा था तो उस वक्त मैंने कहा था कि हम आखिर में एक आपसे बात करेंगे। सोशल मीडिया पर इस वक्त चारों तरफ से एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और यकीनी तौर पर रूमर्स भी हैं, अफवाहें भी हैं और पहले भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन एक बात है कि कल कोशिश की जाएगी दुश्मनों की तरफ से जो पाकिस्तान के बदख्वाह हैं कि वो कल इस तरह के कोई वाकयात रूनुमा हो जिससे हमारी पाक फौज और अवाम के दरमियान कोई गलत फहमी हो। तो मैं उन तमाम कुव्वतों को कहना चाहता हूँ कि वो कल भी नामुराद थे और आइंदा भी नामुराद होंगे। पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तान की जो नेशन है, उसके अंदर एक जज्बा है, उसके सीने में जो दिल धड़कता है उस धड़कन के अंदर पाक फौज बसती है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई भी साजिश करेंगे और हमारे इन सिक्योरिटी इदारों और उनको निशाना बना सकते हैं। यकीनन कामयाबियां मिलती हैं दुश्मनों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पाक फौज के लिए पाकिस्तानियों के दिल है वो बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाक फौज हो या ISI हो, वो हमारे मुल्क का माथे का झूमर है। और दुनिया भर में नाज़रीन कराम ये बिल्कुल वाज़े चीज़ है कि पूरी दुनिया में जितनी खुफिया एजेंसियाँ होती हैं वो अपनी अपने मुल्कों के मफादात के लिए अपनी जान तक लड़ा देती हैं। ये पाकिस्तान में ही पहली दफ़ा होता है कि यहाँ पर ज़र खरीद गुलाम निकलकर बाहर निकलकर जो चाहे मुंह से बकना शुरू कर देते हैं। अब मुल्क के अंदर, जबकि हमारे आईन में भी लिखा हुआ है कि किसी को इस तरह की गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो हमारे खुफिया इदारे हैं, जो हमारी ISI है, किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह से उठकर और ऐसे ही मुंह से कोई भी अल्फाज निकालें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मैं अपने दोनों मेहमानों का, बिलखसूस जनाब सलीम माइकल साहब और आतम प्रकाश साहब, आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। और नाज़रीन कराम, हमारा आज का ये खसूसी प्रोग्राम जो है आप 9 बजे मुलाहिजा कर सकते हैं और फिर ये रिपीट होता है सुबह में। तो एक अच्छी ख्वाहिश, एक अच्छी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बस यही आखिरी पैगाम है कल के लिए, दुश्मन पर नज़र रखें, बाहर निकलें पूरे जज्बे और यकीन के साथ, वोट कास्ट करें, नहीं डरना, नहीं पीछे हटना। पाकिस्तान, पाक फौज, पाक अवाम, पाक ISI, हम सब एक पेज पर हैं। दुश्मन सुन ले कि हम में कोई तफरीक नहीं है, हम सब पाकिस्तान के ISI हैं, हमें कोई इसके अंदर वो दो राय नहीं है। कल पूरी नेशन अपने कौमी जज्बे के साथ उठकर कौमी फरीजा इंशाल्लाह अंजाम देगी और दुश्मनों की सारी साजिशों को कल भी इंशाल्लाह नाकामी और नामुरादी का मुंह देखना पड़ेगा। अपने होस्ट राव नासिर अली जहांगीर को प्रोग्राम अवाम का राज से इस मोहब्बत के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।